अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चाहत मुगल। चार फैंस के दिलों के हाथ के चैनल में आपका स्वागत है। सो हम यहाँ पर आए हैं एक फिल्म के लिए, लुक टेस्ट के लिए, जो हमारे टेक्नीशियंस मेरा मेकअप करेंगे। तो ये है हमारी तैयारी। अच्छा, ब्लॉग चालू रहते हैं। ये यहाँ पर ना पूरा ब्लर आ रहा है। मैं रहना एमरजेंसी में गिरनार के पैकेट लेके चल रही हूँ। गर्म पानी के अंदर डाल दिया, चाय तैयार। फ्रेशनेस नहीं आती विदाउट टी और कॉफी। ऑब्वियसली चाय तो चाहिए यार, शूट पर चाय नहीं रहा तो बात अग्री करते हो ना। चाय चाहिए ना, सबको चाहिए है कि नहीं दीदी? चाय लगती है। थोड़ा सा पुराना। चलो स्टार्ट करो। जैसे करने के बाद में एकदम हरा थका कैसा लगता है? वही मेकअप होगा लेकिन वो लाइट होगा। अच्छा, तुम प्रोडक्शन में हो ना? ये बोल के अच्छा डायरेक्शन मैंने बोला प्रोडक्शन में बोल के गलती कर दी। अभी हूँ मैंने ये कहा सबको। चलो अच्छा है ना, लेकिन एक इंसान में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर होना चाहिए। મોટા મમ્મી ઓફ થઈ ગયા ને એટલે ઓફ થઈ ગયા બસ કઈ નહીં ચાલ રાખું મુજે પતા થા લુક ટેસ્ટ મેં મેકઅપ હોગા એટલે મેને एनर्जी देती है और अच्छे से अच्छा आदमी, बीमार से बीमार आदमी और स्वस्थ से स्वस्थ आदमी चाय पी सकता है। पांच साल पहले वो अपनी अपनी मेरा फेवरेट पार्ट पता है क्या है? बिंदी। अगर मैं इंडियन पहनू ना तो मैं बिंदी लगाने का मौका कहीं नहीं मिलेगा। डीपी लगा रखी है, कुर्ता पहन रखा है। मैंने अभी एक लॉकडाउन से पहले मराठी फिल्म की है, ठीक है आप देखना। उसमें मैं हूँ एक्ट्रेस, पूजा पवार है और एक फॉरनर है, ठीक है। फॉरनर मेरे साथ है, उसमें मैं भी फॉरनर लग रही हूँ। पूरा रेड साड़ी, पूरा मराठी लुक था। वो एक्चुअली कॉलेज में एक वुमेन्स डे होता है, उसमें चार औरतें मिलके वुमेन्स को है। और फिर अब आज जो फाइनल हो गया ना वही पूरा, और मेरा पता है लुक चेंज है। अच्छा लग रहा, लेकिन हमारी ब्लॉक खराब। शाम को एक्चुअली ब्लू ड्राई कराया था तो इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किया। वीक लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि देखो मेरे चार बाल हैं। अभी ले लेते हैं फिर बात करते हैं दादा से। लेकिन है नहीं क्या दादा आपके पास वीक? ये वाला नहीं, बीच वाला ही रहेगा। बीच वाला पार्टीशन कर रहे हैं ना अभी। क्या वीक का है? पहले वीक का देखो। फोटोशूट के लिए नहीं हो सकता क्या? फोटोशूट के लिए हो जाएगा, तब मैं पिन कर देती हूं, पीछे से, ताकि फोटोशूट के लिए हो जाए, ठीक है। बाकी मैं फिर करूं। हां हां ठीक है, बात ये कर लेना।
मेरे बाल ना एक्चुअली मैं बताया ना शूट से बहुत खराब हो गए। अच्छा तुम क्या क्या करोगे? कोई बात नहीं, आप खिला रहे हो, पहले पिला दो। नहीं नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, दादा को बुलाओ, अगर वीक लगेगी ना तो हम क्या करेंगे, आगे से पीछे रबर लगा के ओनली ओपन हेयर रहेगा और थोड़ा हल्का सा। हाँ तो फिर वो चपट हेयर रहेंगे, आप समझो एकदम चिपके हुए। सो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर बालों की तैयारी हो रही है जो अभी तक कंपनी ने मेरी वीक अरेंज नहीं की। अभी देखते क्या होता है, वीक लगाई जाती है या फिर जोड़ा बांधा जाता है। ये मेरे दादा हैं, दूसरी आर्टिस्ट का मेकअप कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हेयरड्रेसर से प्रॉपर पार्टीशन नहीं निकल पा रही थी, तो यहाँ मैं खुद अपनी पार्टीशन निकालने की ट्राई कर रही थी और हो भी गया था। इधर से ना ये निकालो प्लेट्स, क्या बोलते हैं, पार्टीशन निकालो। तो आपने यही लाइट से सिर्फ एक तो फ्रेंड्स मुझे ये लुक दिया जा रहा है क्योंकि मैं हाउसवाइफ लगूं, और बहुत इन्होंने कोशिश की, बहुत अच्छी ट्राई थी लुक देने की। बहुत मुश्किल से बाल सेट हुए थे, जो कि ये लुक टेस्ट में ये वाला लुक पास नहीं हुआ था, बिकॉज़ इनको गरीब जैसा लुक चाहिए था, जैसे गांव में विलेज होते हैं। और बाद में इन्होंने मेरा लुक इतना तैयार करने के बाद मुझे चेंज कर दिया था। आगे देखो, स्प्रे मत मारो, ऐसे बिठाओ, नहीं पानी मारो, थोड़ा सा पानी मारो, स्प्रे मत मारो, क्योंकि मुझे लुक है ना शाम को जाना। पानी आपको तो दे दे, पानी में ये रहा, एक मिनट, ये टॉप से एक चीज मैम का पहले देख सकते हैं मैम का, ये नहीं ओके। इतनी मेहनत करके हमने इतना प्यारा लुक दिया था, इतना प्यारा लुक दिया था, लेकिन हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि ये वाले लुक से बहुत रिच लुक आ रहा था, लाइक पुलिस ऑफिसर या नर्स होती है या फिर एयर होस्टेस होती है, उस टाइप का लुक आ रहा था। हमको विलेज वाला लुक चाहिए था, जो कि इनको समझाया तो था लेकिन कम्प्लीटली प्रॉपर समझ नहीं पाया। जब डायरेक्टर ने मेरा लुक देखा उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको गरीब बनाओ, यानी विलेज वाला लोग, गांव में लोग थोड़ा सा कैसे सावले से होते उस टाइप का। फिर बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने मुझे आगे जाके मेरा लुक चेंज किया। यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद इनको आगे जाके लुक चेंज करना पड़ा। फ्रेंड्स, ये हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर है, दिल से बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में मेरा भाभी का कैरेक्टर है, एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर है। मैं इसमें एक बच्ची की माँ होती हूँ, 10 से 12 साल की। इस लुक टेस्ट में पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, हेयरड्रेसर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप मैन, सब लोग इतना जुटे रहे पूरा लुक देने में। मैं एक अकेली आर्टिस्ट को नहीं, सबको इन्होंने बहुत अच्छे से रेडी किया था। उसके बाद सबका लुक चेंज हुआ था क्योंकि गांव का, विलेज का डस्टी लुक चाहिए था। तो यहाँ मेहनत करने के बाद बाद में आगे जाके मेरा लुक चेंज हो जाता है। आप आगे देखिए। फ्रेंड्स, मैं ये वाला पार्ट बिल्कुल एडिट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज शूट्स पे कैसे हेयरड्रेसर्स बाल बनाती है, ताकि आप लोगों को देख के आइडिया मिले। ये हेयर स्टाइल कोई भी घर में इजीली बनाया जाता है, सीरियल्स में, फिल्म्स में कैसे लुक दिया जाता है, पीछे से जब हम जूड़ा बनाते हैं तो वो इतना प्रिटी क्यों लगता है, उसके अंदर क्या पैकिंग्स वो लोग बिठाते हैं, यहाँ आपको दिखाया गया है। और किस तरह से आप इतने मतलब अच्छे से बाल बना सकते हैं, इतना क्लीनिनेस तरीके से बना सकते हैं, ये देखने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए ये वाला पार्ट मैं एडिट नहीं कर रही हूँ।
यहाँ मेरे बालों में जो पफ दिया जा रहा है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक पैकिंग बैठती है, छोटी सी पैकिंग बैठती है। आप कोई भी ब्यूटी शॉप में जाओगे, बोलोगे हेयर पफ की पैकिंग दो, तो आपको मिल जाएगी। वो हम सोचते ना घर पे कि अरे इतना अच्छा पफ बैठता है, इतने क्लीनिनेस से फिल्मों में या सीरियल्स में बाल बनाए जाते हैं, तो हमारा लुक ऐसे घर पे क्यों नहीं आता है। तो इसमें एक एक्चुअली पैकिंग दी जाती है, स्प्रे मारा जाता है, बैक कॉमिंग की जाती है, पीछे से फ्रंट पार्टीशन निकाल के पीछे से आगे के दो प्लेट्स को पकड़ के रबर लगाया जाता है, तब जाके इसमें ये वाला लुक बैठता है। इसलिए मैं ये वाला हेयर स्टाइल आपको बता रही हूँ कि सीरियल्स में, फिल्म्स में जो पुलिस ऑफिसर है, एयर होस्टेस है, बहुत सारा प्रोफेशनल जो लुक दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट एडिट नहीं कर रही हूँ। यहाँ मेरे हेयर रेडी हो गए कंप्लीटली, और मैं इसमें इतनी अच्छी लग रही, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्रिटी लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच लुक आ रहा था जो कि इनको नहीं चाहिए था। इनको विलेज वाला लुक चाहिए था, तो फिर आगे जाके लुक चेंज किया गया जैसे मैंने पहले बताया था। आगे देखिएगा, अब चलेगा। बहुत सारे लुक टेस्ट इसलिए होता है कि आपको एक वो लुक देकर देखते हैं कि फिल्म में एग्जैक्टली लुक क्या चाहिए, तो यहाँ पर उसी चीज़ की तैयारी चल रही है। छोटे पिन नहीं है, छोटे ही लगा नहीं, ये है जो पिन बहुत बड़ी है, छोटी वाली नहीं है, ये रही छोटी है, चलेगा ना ऑप्शन नहीं है तो भी ऐसे लोग अच्छा लग रहा है। ये भी हाउसवाइफ भी होती है ना, जोड़े वाली मराठी बाइकोस होती है ना, मंगल सूत्र भी ले आना प्रीति, बट ग्लैमर ज्यादा आ जाता है, देख रहे हो आप। मुझे वो याद आ रही है अंजाम पिक्चर की माधुरी दिख रही है, याद है ब्लैक जोड़ा ऐसे बिंदी होती है, छोटी छोटी शीशों से क्या हो रहा है, आधे किलो वाली, अरे इधर से करो, ये लग रहा है वहाँ एक बड़ा लगाना पड़ेगा मुझे, कहाँ लग रहा है इसको ना, क्या करो मालूम है आपके पास कुछ ऐसे छोटी टाइप में नहीं है, मतलब ऐसे कुछ टुकड़ा ऐसे टाइप में, प्लीज प्रवीण तो होल्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हेयर स्टाइल करने के लिए बहुत सारे पिंस लगाने पड़ते हैं, और पिंस इतनी बड़ी थी, छोटी वाली इनके पास अवेलेबल नहीं थी, मुझे चुप रहे थे, लेकिन ब्यूटीफुल लगने के लिए तो ये सब चीज़ें करना पड़ता है, तो चलता है, इट्स ओके। बट मैं अच्छी लग रही थी ना, आप लोग कमेंट्स करके बताइए मेरे पे कैसा लुक लग रहा था। छोटी
उनका बाल ही नहीं है, मैं गंगावन नहीं है, हेयर छोटे है यार, बाल उनके छोटे, वो जो क्या नाम गंगावन कहाँ से लाए, सारे डायमंड्स लगे हैं उसके, मेरे पास जो है ना वो लावनी के शोज के लिए लगती है वैसे। अब सबको जुड़ा बना दे क्या, अब तो क्या करेगी आपकी गलती है, और मैं भजन कीर्तन भी करता हूँ, आर्टिस्ट है। स्वागत है हमारे अशोक ठाकुर का। फ्रेंड्स ये अशोक ठाकुर है, ये थिएटर आर्टिस्ट है, बहुत कॉमेडी है, बहुत मजाकिया है, ये दिनेश के बहुत अच्छे दोस्त है, ये हमारे फिल्म में कुछ कैरेक्टर करे, इन्होंने दिनेश ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत मजाकिया है, बहुत फन करते हैं, सबको बहुत हंसाते हैं। अरे चाहत मत बोलो, चाहत तो मेरा नाम है, ऐसा बोले कि चाहत टूट गई तो लोग मुझे ब्लॉग में मैसेज करेंगे मैम आपको क्या हो गया। फ्रेंड्स बहुत मज़ेदार अच्छा आर्टिस्ट है, और यहाँ पे दूसरा आर्टिस्ट सबका अलग अलग कैरेक्टर है, ये फिल्म में एक महाराष्ट्रन कैरेक्टर कर रही है, सो बस सो फ्रेंड्स आई एम रेडी हियर। ये वाला लुक इन्होंने मुझे दिया था, ये मेरी पर्सनल साड़ी थी, मैंने इनको बोला था कि ये वाली मॉडर्न साड़ी है, मॉडर्न ब्लाउज है, इसमें बहुत ज़्यादा रिच लुक आएगा, बट ये नहीं माने, इतना मेहनत तैयारी करवाने के बाद इन्होंने फिर अपनी साड़ी ला कर दी और मुझे ये वाला लुक चेंज करना पड़ा, बट मैं इसमें इतनी प्रिटी लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, मुझे चेंज नहीं करना था, मैं चाहती थी कि फिल्म में ऐसे लगूँ, ब्यूटीफुल लगूँ, एक अपर मार्केट रिच लोग हाउसवाइफ लोगों, लेकिन इनको विलेज वाला लुक चाहिए था। यहाँ मेरी ज्वेलरी की तैयारी हो रही, बैंगल्स मेरे हाथ में आ नहीं रहे थे, इतना मुश्किल से पहनना पड़ रहा था क्योंकि मेरे हाथ का साइज़ थोड़ा सी, जो हाथ की बोन होती है वो थोड़ी सी मेरी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, बहुत पेन हुआ पहनने के टाइम पर, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब पता है करना चाहिए, मेरा राइट हैंड बहुत मुश्किल है जाना किसी चीज़ में, ये ले आएंगे ऐसे में सेट पे आएगा सब कुछ। दादा मेकअप दादा थोड़ा सी इससे ना एक साइज बड़ा ले आना, ठीक है ये जो साइज है इससे एक साइज बड़ा ले आना, ठीक है। अच्छा दीदी ये हेयर वाला आपका है ये सब? शिट हाथों पे आप प्रोडक्शन यहां है, ये स्टोरीज है उसमें आपको चाहिए ही चाहिए क्या? सब रहता है लेकिन कभी अभी सबका जुड़ा है क्या? जुड़ा नहीं, उनको ऐसे रफ टफ लुक कर देना है, मतलब जुड़ा नहीं दोगे नीचे, वही तो कह रही हूं जुड़ा नहीं देना, छोटी कर दो ना इनकी, छोटी कर दो बाल अच्छे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या नाम है प्रतिष्ठा, कैसे लग रही हूँ? प्लीज अब ये फ्रेंड्स अब मुझे गरीब लुक देखना है, बट मैं बाल को ओपन करो इनके, मेरे बाल मेरा लुक इतनी मेहनत करके फिर चेंज करेंगे, अभी मुझे ब्राउन कर रहे हैं, और यार शैडो भी हटा दूँ। एक चीज़ याद रखना, मेकअप मुझे ये डर करो, मेकअप चाहिए ही नहीं मुझे, पहली बात तो ये नहीं चाहिए ना, सबसे पहले तो आप है ना जो कॉटन की साड़ी है वो अरेंज करो, एक चीज़ याद आपको मैं इसी में अभी सुनो लुक टेस्ट है, बट लुक इज इम्पोर्टेंट ना डियर, अभी सर ने क्यों बुलाया, आधा दिन मैंने पूरा दिया अपना सेट, मैंने अपना शूट कैंसिल किया, आधा दिन मैं छोड़ कर वहां से यहाँ पर आई, उनको बोला मैं आज शूट पे नहीं आ रही हूँ, मेरा एक दिन का आगे मैंने डिले करके, कभी कोई शूट एक आर्टिस्ट के लिए कभी शूट चेंज नहीं होता, फिर भी मैंने बोला प्लीज मुझे लुक टेस्ट के लिए मैं जा रही हूँ, एक मिनट बाद में करूँ
और फिर मैं आई हूं। पहले तो मेकअप इनका पूछो वाइफ से, जबकि इन्होंने मुझे एकदम हल्का मेकअप दिया, एकदम हल्का कुछ दिया ही नहीं, खाली डार्क सर्कल इन्होंने छुपाया। आप कितनी रिच लुक देखते हो कि इतने हल्के मेकअप में भी इतने सुंदर दिख रहे हो, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए। अब मैं सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ, बोली तो मैं कह रही हूँ, इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ। हाँ कुछ नहीं, बस अपना मेकअप डल कर लो। ऐसा करो कि कल से मैं 4-5 दिन नहाती नहीं, फिर शूट करो तो तब भी काली नहीं लगूंगी। आप टेंशन मत लो, आप नहीं आओगे मैं उसमें, अरे आओगे उसमें एडिट होगा, ऐसे थोड़ी अपलोड होगा, ये मेरी ब्लॉग है। हो गया, अभी बाल को क्या कर रहे हो, तो बाल है ही नहीं मेरे सर में, क्या करोगे। एक मिनट मैं बैठ रही हूँ, बैठ जाओ, बताओ मेरा इतना अच्छा लुक है, लुक चेंज कर, यहाँ पे करो गंगावन मिली ना दीदी, गंगावन लगा दो, छोटी कर दो, जब भी मैंने बोला मुझे पता था, मैंने जब भी कहा था कि वो छोटी रहता ना, तो अब मैं क्या करूँ, मिली नहीं, अब मिली ना, अरेंज करना चाहिए था ना, अभी नहीं हुआ था उनके पास, तभी मैं पूछ रही थी, मैसी है नहीं, एक सिंपल इसको नीचे बिठा के सिंपल छोटी कर दो, हाँ तो अभी इसको मत छेड़ो, एक सेकंड उसको नहीं, नहीं नहीं इसको नहीं, डायरेक्ट हम छोटी करेंगे, आगे से ना फिर बहुत सेट करना पड़ेगा, नहीं इसको हम हटाएंगे, नहीं इसको हाई टाइट को हटाना, लेकिन जो आगे की जो मांगे वो नहीं करेंगे, इसको हटा दो, ये पैकिंग खोल दो, ठीक है। और ब्लाउज कहाँ है, ब्लाउज पूछना चाहना है, दादा जरा तो फेस देखिए जरा, जो पहले नहीं निकाला फोटो, इतनी मेहनत से इन्होंने मुझे लुक दिया था, मैं इतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन लुक चेंज करना पड़ा क्योंकि इनको विलेज वाला लुक चाहिए था, फिर से मेरे बाल खोले और इन्होंने गंगवान छोटी लगाने के लिए फिर डिसाइड किया। अभी देखते हैं मेरा लुक आगे कैसे, मुझे डल मेकअप करके लोग लुक बनाते हैं। एक्चुअली गांव में जो विलेज में होते हैं ना, इनको गरीबों वाला लुक चाहिए, तो वो वाले लुक देने के लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अभी। कहीं हमारा कुछ लुक में मतलब जाएगा तो सही है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो एटलीस्ट हम यूज कर सके, अगर हमारा भी कुछ आता है तो, क्योंकि डिजाइनर तो लाएंगे, फिर आप जो पहनते हो वो अलग होता है, कॉटन जैसे ये प्यारा है आपके लुक के लिए, ठीक है। अगर कुछ पे बस सेवन से एटली और कुछ ऐसा नहीं है, हम भी अपना लेते हैं, हमारा तो हमारे जो ब्लाउज ले रहे हैं वो स्लीवलेस है। हाय मैम, आपका ये लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है, फिर भी मैं गरीब नहीं दिख रही हूँ, नहीं बहुत प्यारे लग रहे हो, गरीब दिखाना ही नहीं, आपको गंगावन पहनना ही था तो हमने फिर अरे फाइनली अच्छा लग रहा है ये लुक, ये साड़ी पहनो, हर कोई लुक अच्छा लग रहा है, ये साड़ी पहनो, ठीक है ओके, ये कंप्लीट कर देखो, फ्रेंड्स जो विलेज वाला लुक देने के लिए इन्होंने मेरे लिए कॉटन की साड़ी मंगाई, जो कि मैं पहले 2 दिन से इनको यही बात बोल रही थी कि विलेज का लुक कॉटन की साड़ी में आता है, गांव के लोग कॉटन की सॉफ्ट मटेरियल की साड़ी पहनते हैं, जो इन्होंने मेरी नहीं सुनी, लेकिन फाइनली उनको वही करना पड़ा जो मैंने कहा था। अब मैं ज़्यादा मॉडर्न दिख रही हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें मैं बहुत मॉडर्न दिखूंगी, इन्होंने अभी ये साड़ी अरेंज की है कॉटन की और ये ब्लैक ब्लाउज, देखते हैं ये वाला भी लुक मैम बहुत नहीं नहीं
सो फाइनली मैंने कॉटन की साड़ी पहन ली। अब ये मेरी स्किन डल कर रहे हैं, मुझे डार्क शेड से मेकअप कर रहे हैं ताकि मैं सांवली लगूं और विलेज लुक के जैसी गांव वाली लगूं। तो ये ट्राई चल रहा है, देखते हैं। चलो, यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है बिकॉज मैं यहाँ दोपहर में 2 बजे से आया हूँ, शाम के 7 बज रहा है और लुक पे लुक चेंज कर करके ट्राई कर करके इन्होंने मुझे इतनी मेहनत की और बहुत टाइम निकल गया, तो मुझे यहीं बैठे बैठे ब्रेकफास्ट करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बहुत हैक्टिक स्केड्यूल होता है, चाहे लुक टेस्ट हो चाहे शूटिंग हो, आपको एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है, टाइम के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई काला ही होता है यार, गांव में गरीब लोग गोरे भी होते हैं यार। ये क्या सीन है, सबका स्किन टोन अलग होता है। और दूसरी बात, 100 में इंसान एक ज्यादा अच्छा खूबसूरत होता है गांव में इंसान। चार ने लुक टेस्ट करने बुलाई है, देख लो फिर मैं यहाँ पे उठो मैंने मजाक में बोला था कि डायरेक्टर को बुलाओ, वो सचमुच बुलाने चली गई थी और वो आ भी गए थे। अरे मजाक कर रही, सीरियसली बोल दिया तुमने, ये मेरे सर देखो ना, मुझे परेशान कर रही है आपकी लड़कियां। सही है क्या, मैंने बोला जब तक बार बार मुझे बाहर बुला रहे, लोग मेरे पे हंस रहे, पहले फाइनल कर लो मेरा लुक। सही है, थोड़ा देर के लिए आपकी स्किन उतार दे देते सर इसको। इसको दीदी इसको सही करो ना। चलो 2 मिनट के लिए फिर आपको इसको, अरे वो अपने आप को जाकर छोड़ पीछे कर लेंगे छोटी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे फिल्म एक आर्टिस्ट वंदना जी, ये मेरी तरह यू नो रिच लुक, शी इज आल्सो ब्यूटीफुल, बट इनको अभी डस्की किया है, लग रही है डस्की कहीं से थोड़े मतलब, बट गला मैच करो, देखो गला वाइट दिख रहा है आपका, कर रहा है उसने वैसे गला भी किया है काफी आगे बढ़ा। ये हमें गरीब दिखाना पड़ेगा, गरीब हम बहुत गरीब हैं, हम सैंडविच खाते हैं बस और कुछ नहीं खाते। चलो ये भी एक्सपीरियंस लाइफ का अच्छा रहेगा ना, रिच काम तो बहुत कर रही हूँ, मॉडर्न ब्यूटीफुल, ये भी एक करने का मजा आएगा। काले लड़की अब मॉडर्न लुक नहीं दे रहा, गांव वाला दे रहा। Thank you.
कह रही है खूब काला लगाओ, उसका लगाओ, ब्राउन मेकअप किए और ये दादा ने मुझे ब्राउन किया। अगर आप मुझे पहले बोलते 4-5 दिन कंटिन्यू स्विमिंग पूल में जाते अपना काम, मेकअप भी बच जाता यार, मेरा टाइम बच जाता। ये हमारे सीनियर मेकअप दादा है, ये खुद ही इतने को रहे, दूसरे को क्या काला लगा सकते हैं। ये देखो आप भी इसमें अच्छी लग रही है कैमरे में, मतलब अच्छी बताओ। हम लोग सब रिच लुक दिखने वाले, कहाँ से गरीब दिखा है ये बताओ। चेंज आपको उस जगह करना है जहाँ कोई आता जाता नहीं है और पानी का नल चालू है। क्या बात है। यहीं पे कर लो बाहर खड़े, हम आके बंद कर लेते हैं। अरे नहीं कर भी सकते ऐसे थोड़ी एक्टर आदमी है। नहीं मैं ब्लॉग बना रही हूँ, फिर आप मेरे ब्लॉग में आ जाओगे भागे। नहीं नहीं कर लीजिए मजाक कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स मेरा शूट कंप्लीट हो गया, दोपहर के 2 बजे से आए, अभी शाम के 7:30 हो रहा है। अब मेरा जाने का टाइम हो गया, तो दादा को मैंने बोला कि मेरा ब्राउन वाला मेकअप निकाल के वापस से जैसे मेरा पहले स्किन टोन था वैसे कर दो, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना था। शूट के दिन ये न्यूज आई आर्टिस्टों के सर में तेल लगा, गाँव वाले तेल लगा। आपका हाथ लगाया दादा शूट पे, शूट बस मिलना चाहिए इंशाल्लाह। ऐसा बेस कर दो कि मुझे अच्छा ना, आपको आज आइडिया मिल गया ना, एक ब्राउन कलर का पेन स्टिक लेकर पूरा सेट पे काम कर लो। क्या बात कर रही है, गला इतना खुला रहेगा। ये क्या था साड़ी, ये तो मर्डर 3 की तरफ प्रसन्न आ रहे हैं। मेरा भी मर्डर हुआ था, मुझे जिंदा रखेंगे भाई। मेरा वो रहा पर्सनल वाइट शर्ट, ये नहीं है ना। नहीं वो नहीं, मेरा सीरियल कर रहे हो नंबर, लेकिन मैं बॉल चेंज नहीं करती, तुम्हें चाटी मिल रही। मैंने कितने वर्षों से खबर छोड़ दी, कुकू वाला भी मैंने 100 एपिसोड साइन कर दिया। मैंने बोली भाई तेरे 100 एपिसोड तक नहीं, मैंने किसिंग सीन नहीं सुना। हम बाल से लगा रहे हैं दादा, इनको वीक लगाने ठीक है। क्यों आप इनके लिए वीक कहाँ से आ गए हैं, आप लड़ू है तुमसे, मेरे लिए वीक नहीं आई है, वीक छीन लोगे। मैंने मुझे नहीं दिया। अरे दादा मेरे ब्लॉग में आ रहे हो,
ब्लाउज पेटीकोट आप मर्डर थ्री के प्रशांत नारायण मनोज नहीं ये भूल भुलैया के राजपाल यादव है अरे वो तो बहुत कॉमेडी कैरेक्टर था इनका भी वैसा ही है शायद बेस्ट कैरेक्टर है एक लड़की आता है कैसे आए बस से आप जल्दी पैक करो मैं आपको गाड़ी में छोड़ दूँगी मैं दिल्ली जा रही हूँ क्यों ऐसे अच्छा यहाँ पे मीटिंग करने जाऊँगा तो इतना बैग उठा के फाइनली फ्रेंड्स हमारा आज का लुक टेस्ट कम्प्लीट हुआ ये हमारे सीनियर मेकअप दादा है जो हम अब सीधा शूट के दिन मिलेंगे और बहुत मजा आया सारे आर्टिस्ट है सब लोगों ने बहुत मेहनत की इन लोगों ने स्पेशली बहुत ज्यादा मेहनत की हमारे एड्रेस है देखो ये साड़ी पहना रही है ये हमारे मेल आर्टिस्ट है फीमेल कैरेक्टर कर रहे हैं मेल आर्टिस्ट है मैं कह रही मेल तो है ही ये हमारे फिल्म के आर्टिस्ट है वो फीमेल का कैरेक्टर कर रहे हैं फिल्म के अंदर मैं क्लाइमेक्स अभी नहीं बताऊंगी डिस्क्लोज करूंगी मगर बहुत अच्छे फिल्म है और हो गया शूट फाइनली बहुत मजा आ गया है ना ये बेचारा देखो अभी पैकअप की तैयारी कर रहा है आने के टाइम जमाना और जाने के टाइम कवाना हाँ बस ले जाओ इसको यही काम है ड्यूटी है ये देखो ये हमारे सबसे ज्यादा तो मुझे परेशान इन लोगों ने किया है ये कॉस्ट्यूम वाले हमारे साइज के कॉस्ट्यूम नहीं और गरीब वाले नहीं सब अमीर वाले कपड़े उठा के लेकर आए इन्होंने सो क्या वापस बोलो इधर बोलो इधर बोलो आपकी शक्ल ही अमीर वाली है ना बचपन से ही लोग मैं अमीर पैदा हुई हूँ बचपन से है ना दादा बचपन से अमीर पैदा हुई हूँ सो फ्रेंड्स मेरा फाइनली शूट हो गया अब मिलते हैं हम सीधा शूट के दिन जब तक के मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ना भी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए खुश रहिए अपने पेरेंट्स से दुखी मत कीजिए बी हैप्पी मिलते हैं शूट वाले दिन बाय बाय।